सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉर एवर पर। अब दोस्तों, जितने भी किंग खान एसआरके के फैन हैं, पठान के फैन हैं, वायरस स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं, वो सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं पठान टू मूवी के लिए। और कुछ ऐसे भी फैंस हैं जिनको यही नहीं पता है कि पठान टू मूवी का लाइनअप क्या होने वाला है, इसकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम कब होगा, प्री प्रोडक्शन का काम कब होगा, मूवी की शूटिंग कब होगी, मूवी की रिलीज डेट क्या होने वाली है। तो चलिए, आपको इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पठान टू मूवी का लाइनअप बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले लाइनअप में आता है किसी भी मूवी के प्री प्रोडक्शन का काम, यानी कि मूवी की स्टोरी को लिखना, उसके बाद उस स्टोरी के हिसाब से लोकेशंस को एडजस्ट करना। तो ये जो प्री प्रोडक्शन का काम है, वो दोस्तों समर 2024 में, यानी कि इसी साल गर्मी के मंथ में स्टार्ट किया जाना है, जो कि हम मान सकते हैं कि अप्रैल या मई से इसके प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जाते जाते अक्टूबर या नवंबर तक फाइनली कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद जो मूवी फ्लोर पर आती है, सेकेंड काम होता है, यानी कि मूवी की शूटिंग को स्टार्ट किया जाता है, वो हमें एंड ऑफ 2024 यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने से हमें पठान टू मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती हुई देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, शूटिंग जब खत्म होती है, उसके बाद होता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम। अब पोस्ट प्रोडक्शन के काम में बेसिकली डायलॉग्स एडजस्ट किए जाते हैं, VFX दिया जाता है, कलर ग्रेडिंग की जाती है। तो ये सब काम तब होते हैं जब मूवी की शूटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और पठान टू की शूटिंग के लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने का समय काफी हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में जून जुलाई रहते रहते इसकी शूटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और 2025 की जून और जुलाई में इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू हो जाएगा। अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट 4 महीने का होता है, तो जून जुलाई से अगर हम 4 महीने जोड़ें तो अगले साल के नवंबर और दिसंबर में पठान टू के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो जाएगा, और मूवी सेंसर बोर्ड के पास ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, दिसंबर 2025 2025 में जा सकती है। और जब सेंसर बोर्ड से ये पास आउट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 26 जनवरी 2026 को, जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2026 को मूवी रिलीज होने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों देखा जाए तो 25 जनवरी 2023 को पठान मूवी आई थी, और अब डायरेक्ट सीधे 3 साल के गैप के बाद 2023 रिपब्लिक डे के बाद 24 रिपब्लिक डे, 2025 रिपब्लिक डे और 2026 के रिपब्लिक डे में हमें पठान टू मूवी देखने को मिल सकती है, यानी कि पूरे पूरे 3 साल बाद एसआरके का हमें बहुत ही बड़ा नेक्स्ट लेवल का कमबैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि पठान मूवी के बाद एसआरके की अभी कोई भी मूवी, कोई भी न्यू मूवी अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो पठान टू करने वाले हैं। तो फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट करेंगे कि 2023 के रिपब्लिक डे से 2026 के रिपब्लिक डे में जब पठान टू मूवी आएगी, तो जैसे पठान मूवी से कमबैक करते हुए 1053 करोड़ की कलेक्शन की थी, वैसे ही पठान टू मूवी से वो 2000 करोड़ की कलेक्शन करने का भी पोटेंशियल रखते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, रिपब्लिक डे 2026 में अगर मूवी रिलीज होती है तो सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ेगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉर एवर।